दोस्तों अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आज आपको एक आयुर्वेदिक पौधा जिसके शरीर में बहुत इफेक्ट है और बहुत कम केयर का है वो बताऊंगा। उससे पहले उसको पोर्ट कैसे करना है, आप पहले ये देखो एक टिकरी और जो भी आप पे थे जरूर होना चाहिए, नीचे आपको सुराग दिख भी रहा होगा, इसको आप कवर करें। उसके बाद आप पे जो सूखे ब्रांचा है वो अपने इसमें डाल सकते हो पौधे की, और ऐसे सूखे पत्ते ये देखो, इसको आप 20-30% तक फील कर सकते हो जितने आपके पास उपलब्ध है। ये देखो इसका 2-3 फायदे हो गए, तो आपका मेन होल प्रॉपर बंद नहीं होगा जिसके कारण आपका पौधा कभी ओवर पानी की वजह से खराब नहीं होगा, क्योंकि जितना गमले में पानी आएगा वो नीचे से एक्स्ट्रा पानी रिमूव हो जाता है। और दूसरा आपका मिट्टी का ये वेट, यानी जैसे एक तो पोट का वेट होगा फिर मिट्टी का वेट, मिट्टी के वेट को भी कम करता है। आइए अब इसमें मिट्टी डाल लेते हैं। पहले इस पौधे के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ मिट्टी, आप नॉर्मल मिट्टी प्लस उसमें 20% रेत और 1 चम्मच हल्दी और 20-30% अपना खाद डालना है गोबर की। ये फ्लावर भी देता है, इसके फूल भी आते हैं, और प्लस इसका आयुर्वेदिक बहुत फायदा है। जैसे कड़ी पत्ता का हम यूज करते हैं वैसे इस पौधे का भी आप यूज कर सकते हो। ये देखो मेरी मिट्टी में अपना हर प्रकार की चीज मिलेगी आपको, तो ये जब हाफ से ज़्यादा फील हो जाए आपका फिर इसमें आपने पौधा लगाना है। जब भी लगाए ये काम जरूर कर ले। ये पौधा है साजन और मोरिंगा, इस पौधे का बहुत बेनिफिट है। इसकी आप पत्ती वैसे तो बड़ा पेड़ हो जाता है, लेकिन आप इसको पोट में भी लगा सकते हो और डेली यूज कर सकते हो। जैसे नीम कड़ी के पत्ते को घर में लगाते हैं वैसे इसको भी लगाए। और लगाने का बेस्ट तरीका देखो, हल्का हल्का इसकी मिट्टी को रिमूव करते हैं ताकि पौधे की रूट अपनी नई मिट्टी में एडजस्ट हो जाए। तीसरी जो सबसे जरूरी चीज आपने ध्यान रखनी है, ये देखो आपको यहाँ रूट नजर आ रही होगी, जो तीसरी सबसे जरूरी चीज आपने करनी है इस पौधे में, ओवर वाटरिंग ज्यादा करोगे। ये गर्मियों का भारत का मूल पौधा है और इसके आयुर्वेदिक फायदे की वीडियो बाद में बनाऊंगा। इसको आप सब्जी में इसके 4-5 पत्ते प्लस आप इसके डायरेक्ट पत्ते को भी खा सकते हो, कोई ज्यादा इसमें समस्या नहीं आएगी। और ये पौधा वैसे तो 20-30 फुट चला जाए, लो वाटरिंग है, ज्यादा इसकी केयर भी नहीं करनी पड़ेगी। अगर कभी कभार इस पौधे में कोई बीमारी लगे तो नीम ऑयल का स्प्रे कर दे। और ये देखो जब पौधे अभी पोट करते हो, देखो इसमें हमेशा ध्यान रखे मिट्टी थोड़ी सेट कर दे ताकि जब वाटरिंग करे ज़्यादा मिट्टी इनबैलेंसिंग ना हो और आपका पौधा अपने स्थान से हिले भी ना। अब ये पौधा आपने देख लिया, आप नाम शायद जानते होंगे, नहीं जानते तो बता देता हूँ, ये है साजन और मोरिंगा का पौधा। इसके आयुर्वेदिक बहुत फायदे है, शरीर की बहुत सारी कमियों को दूर करता है, विटामिन और खनिज तत्वों की जो आपके शरीर में कमी हो। इसका आप लगातार 6 महीने सेवन करोगे तो आपको इसका इफेक्ट शरीर पर मिलेगा। और ये बड़ा वृक्ष भी होता है, आप अपने आसपास पार्क में कहीं और भी लगा सकते हो। तो इस पौधे को अपने घर पे भी लगा लेना, इसके डेली पत्ते यूज कर सकते हैं नीम की तरह। अगर बड़ा पौधा ये लगभग 20-30 फुट 40 फुट भी चला जाता है, लेकिन गमले में ये 8-10 फुट आपका इजीली ग्रो कर देता है।
बड़ा बनाना तो 20 लीटर की बाल्टी में, मैंने तो 12 क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं बनाना चाहता, इसको सिर्फ छोटा ही पौधा रखना चाहूँ। तो ये पौधा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गार्डनिंग।